असल मुजरम मेरे बेटे दा होए। जाखत ने मेरे बेटे दे सब तो पहले बोतल मारी सिर दे विच, उस तो बाद फिर उन्हें इत्थे बोतल मारी पुत्र, फिर उन्हें अंदरों लिया के कैंची मारी। करो सदके लगाया ने, आप ही लगाया ने। इन्हें जाखत ने फोन करके बुलाया, उन्हें कहा मैं नहीं आना, बाद उन्हें पीछे गया ने। धमकी ला किसी वास्ते नहीं, आता दोस्त आया उन्होंने मिलना, उन्हें कहा मैं नहीं मिलना, मेरे बच्चे घर रोटी वास्ते बैठे ने, करो रोटी लैन वास्ते आया, दुध लैन वास्ते आया। उन्होंने उत्थे उन्हें घेर लिया बेटा, जाके एक घंटे दे विच विच मार मार के कसाईयां वाकू इन्हें जाखद ने उत्ते जा के थले सटिया। मेरे सामने मैं वेखिया, मैं कहनी हूं पता नहीं उत्तों केड़ा बंदा आंदा पिया थले, मैं क्या एंबुलेंस भी खलोती उत्तों भी कोई डिग्गा पिया, बच्चे इकट्ठे हुए ने, पता नहीं की गल। जो पुत्रा मैं वेखिया तो मेरा लाल डिग्गा मेरा शेर डिग्गा मैं पुत्रा उत्ते। इस वक्त उस घर में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर अपने ही भाई ने अपनी बहन की गोद उजाड़ दी है। अपने 26 साल भांजे को चाकुओं से छुरियों से वार करता रहा। जब उसने भीख मांगी कि मेरी जान बख्श दो, मामू जान कहता रहा, लेकिन उसने ना सुनी। किनके कहने पर चाकुओं से वार करता रहा और चार मंजिल से धक्का देकर कत्ल कर दिया है। मेरे साथ उसकी वालिदा मौजूद है और कातिल जो है उसके बहन भी मौजूद है। माँ जी, कोई दुश्मनी सी ताडे बनाना? बेटा मेरी किसी नाल कोई दुश्मनी नहीं, ना कोई साड़ी जायदाद, अस सब किराए ते ने पुत्र, किसी की कोई जायदाद नहीं हैगी। इहनू पुत्र नहीं बेटा, इन्नी साढ़े बच्चों च मुहब्बत पुत्र कोई गल नहीं है। तुसी क्यों नहीं साड़ी कोई भी गल साड़ी नहीं जी समझदे? जिहड़ा जाखद है ना बंदा, जाखद कौन है? जाखद इत्थे कहिंदी दुकान है घड़ियां दी, जो करदा ना बेटा जाखद करवांदा। बोतल मारी सिर दे विच, उस तो बाद फिर उन्हें इत्थे बोतल मारी पुत्र, फिर उन्हें अंदरों लिया के कैंची मारी। बेटा ताडा किया किदे घर सी? इहदे घर ही, मामू दे घर। अच्छा, मामू दे घर गया, बुलाया जाखद ने बेटा, जाखद ने बुलाया। ताड़ी मेहरबानी सच्ची कोई साड़ी दे दो न्यूज़, हर बंदा उनका नाम लेंदा मामू दा। सब तो मेन मजड़ा है ना इस जाखद बंदा बेटा। मामे ने मामा नाल ही मिलिया सी होए। जाखद सी, मामू दा नाम की सी? राशिद सी। और कौन कौन शामिल? और तीन बंदे और ने, ना दी पता उन्हें? उन्हें दा नहीं पता मेनू, बंदा भी कैंची दे। हां जी, शक्ल जान। वकुआ की होया सी? वकुआ बेटा है होया, उन्हें करो सदके लगाया ने, आप ही लगाया ने। इन्हें जाखद ने फोन करके बुलाया, उन्हें कहा मैं नहीं आना, बाद उन्हें पीछे गया ने। धमकी ला के किसी वास्ते नहीं, आता दोस्त आया उन्होंने मिलना, उन्हें कहा मैं नहीं मिलना, मेरे बच्चे घर रोटी वास्ते बैठे ने, करो रोटी लैन वास्ते आया है, दुध लैन वास्ते आया। उन्होंने उत्थे उन्हें घेर लिया बेटा, ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜਾਕੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਕੂ ਇਹਨੇ ਜ਼ਾਖਦ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੱਟਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਥੱਲੇ। ਇਤਫਾਕ ਐਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਮੇਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਥਾ, ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਐਸੇ ਲੱਗਾ ਜੈਸੇ ਇਨਕਾ ਭਾਈ ਗਿਰ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਬਾਹਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੋ ਬੇਟਾ ਗਿਰਾ ਹੁਆ ਥਾ। ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਪੀਤਾ ਥਾ ਆਪਕਾ? पीता था। आपको खौफ ये आया कि मेरा भाई गिर गया? भाई गिर गया। मैं क्या आगे भी वो गिर गुर जाता, सट्टा चोटे लग जाती, तो मैं वो एम्बुलेंस खलोती, मैं क्या एम्बुलेंस भी खलोती, उत्तों भी कोई डिग्गा पिया, बच्चे इकट्ठे हुए ने, पता नहीं की गल। तो जो पुत्रा मैं वेखिया तो मेरा लाल डिग्गा मेरा शेर डिग्गा मैं पुत्रा उत्ते मैनू वेख के बड़ा बट उन्होंने एक जना उत्ते रह गया, कुंडी मार के नस गया पुत्र, हूं नाल कपड़े लिग रहे, जहा दे भी एक बंदा नाल और सी, ये तिन्ने ही नस गया पुत्र। मैं सुनिया बड़े बादशाह ने इस तो पहले भी कतल किए ने। हाँ जी, मैं भी दवा की बयान ले, चलो मैनू कितने ले जाना जे। ऐ साडे नाल मार्केट दे विच इहने ही पुत्र उस बच्चे नू दुकान मकान किराए ते लैके दित्ता, इहने ही उहदे नाल दोस्ती कीती, ठीक एक महीने बाद उहदे नाल जास्ती करके इहने उत्ते टंग दित्ता, कुंडी ला के चला गया। ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਿਕਲੀ ਏ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰੀ ਕੈਂਚੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਉਸੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਬੇਟਾ, ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਫਰ ਅੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 5 ਦਿਨੋਂ ਸੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਾਟ ਇਸ ਲਈ ਤੋਂ ਹਮਨੇ ਇਤਜਾਜ ਕੀਆ ਬਾਹਰ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ
तीन दिन आप लोग लाश लेके बैठे रहे हैं, फिर एफआईआर काटी है। तीन दिन के बाद तीन दिन तक वेट किया है कि हमारी एफआईआर करें। जब देखा है कि कुछ नहीं हो सकता, अमजद नामी ने कहा जी हम मिलवा भी नहीं सकते राशिद बंदे को। अमजद पुलिस वाला है, पुलिस वाला नाल लिया उन्होंने, वो भी नाल होंगे, वो भी नाल होंगे उन्होंने। उधर लोगों को फोन करके गंदिया गंदिया गालां काट दिया पुत्र, तुम उन्हें कितने गालां सुनो। कल असं एस पी सुनाइया से इधर देख, एक बेटा ला के लाश बैठे हैं, तो एक सू गंदिया गालां कढ़न दिया, अपने बेटे को उठाओ इसे। तो तीन दिन बाद एफआईआर काटते हैं, अभी उम्मीद भी नहीं है पुलिस वालों से? नहीं पुत्र, कोई उम्मीद नहीं। सारी जमानत मैं सुनिया पहले ले ली, कल ले ली, कल ही ले ली उन्हें जमानत, दे दी तो तुम दे लो फिर बेटा। की इंसाफ है पुलिस को, पुलिस को पुत्र कोई इंसाफ नहीं। पुलिस सिर्फ जेबा भरती है, गरीबों मार दी तो अमीरा को जेबा भरती पुत्र। वो हार कैसी पुलिस है पुत्र, है कैसी घूमत है। गरीब धक्के खाते फिरते ने, लटींदे फिरते ने, मामा के पुत्र मारते फिरते ने, तो इन्हों अपनी सीटा की पई है। इन्हों है किसी गरीब नाल, इन्हों ने कौन करेगा इन्हों की हिफाजत? गरीब की किसी हिफाजत नहीं करनी, गरीबा सड़क से रोल रोल के मर जाना है। पता नहीं कबूतरा कितों लगेगी, इन्हों नहीं लगनी। वह तो मैं क्या है, मैं अल्लाह मैं अपनी अदालत तेरा मुकदमा पेश कर दिता है, तू मेरा फैसला करना, इस दुनिया ने नहीं करना नहीं मेरा फैसला, इन्होंने नहीं करना बेटा। ये इतने बूढ़े ज़हीफ़ हो गए, चाचा इतने ज़हीफ़ हो गया, अब इनको बेटे की जरूरत थी कि हमें संभालेगा, हमें देगा कुछ। अब उनके छोटे छोटे बच्चे ये संभाले, बेटा भी शादीशुदा था, बेटा शादीशुदा है, दो बच्चे है, एक बेटी एक बेटी 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 तो मजदूर है मेरी दोतरी, तो दो तरह जरा ठीक है, चार साल का बच्चा है, की उन्होंने मुस्तकबिल होगा? अम्मी साडा पापा लिया, मैं अपना पापा कितों लिया के देवा, मैं की करांगी पुत्रा, मेनू दस दवो। अल्लाह का वास्ता जे कोई तो इंसाफ दे दे, इन्हें मीडिया वाले आए ने, कोई तो सानू इंसाफ दवा दे। अल्लाह का वास्ता जे, अल्लाह का वास्ता जे, अल्लाह दे वास्ते, अल्लाह दा वास्ता जे अगर पुत्र इन्हें मेरी ना सुनी, मैं सीधा ही उत्थे चल जाना, जाके मैं पूरी कैंची ला जानी, जाके मैं उत्थे शहबाज शरीफ दी कोठी ते बह जाना। अगर दो दिन या तीन दिन में ये मसला हल ना हुआ, हम सब हमारी पहुंच अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इनका कारोबार अपना, बहुत सारी औरतें हमारे साथ अटैच है, अगर ना ये मसला हल हुआ हम नवाज शरीफ के घर तक पहुँच जाएंगे। ये पास ही तो है, एक्स्ट्रा पास है। आप फकुआ सुन रहे हैं, उनका कहना है कि हम लोग जितने भी अहदेदारान हैं, सियासतदान हैं, उनके घर तक पहुंचेंगे, और अगर हमें इंसाफ की उम्मीद इनसे ना हुई, और अगर उन्होंने मुजरिम को ना पकड़ा, उनकी पक्की पक्की अम्मा जी उन्होंने तुम्हें डराना शुरू करता, धमकियां तो नहीं लाइया? लांदा है, लांदा है बेटा, लांदा है, कल सुनाइया सारिया धमकियां पुत्र उन्होंने, जहद वो भी लांदा धमकियां, वो घट नहीं करता पुत्र, बहुत गंदा। एक उनका भरा गुंडा है, कहता तुम जो जाओगे ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਦੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਲੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ। ਹੈਰਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ धमकियां स्टिल आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, लेकिन पुलिस अभी तक उसे ट्रेस नहीं कर सकी। इस घर उस घर में मैं मौजूद हूँ जिस घर में क्यामत बरपा है, बेटे की जान चली गई है, एक बेटा पहले ही अगवा हो चुका था, एक बेटा बचा है, उसको भी कत्ल करने की नाउज़ बिल्ला धमकियाँ दे रहे हैं। समझ से बाहर हमारे कानूनी अदारे कहाँ गायब हैं, क्यों खामोश रहते हैं, क्यों गरीबों की आवाज़ नहीं बनते, क्यों उनका साथ नहीं देते, क्यों ये ईमानदारी से नौकरियाँ नहीं करते? जब ये ईमानदारी से नौकरियाँ करेंगे ना, तो यकीन माने ये घर में जो क़यामत टूटी है ना, कभी क़यामत नहीं टूटेगी। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।